हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र साइंस का डिस्कशन है। हम लोग बायोलॉजी को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आज का टॉपिक है अनपरजीवी रोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, विषाणु जीवाणु कवक के अलावा मुख्यतः प्रोटोजोआ, प्लेटीहेल्मिनथीज व नीमेटोडा समूह के परजीवी विभिन्न प्रकार के रोगों के कारक जीव है। मलेरिया सबसे घातक परजीवी रोगों में से एक है, जो प्लाज्मोडियम नामक एक कोशिकीय प्रोटोजोआ जंतु के कारण होता है। इस रोग का वाहक मादा एनफ्लिज मच्छर होती है, जो कि द्वितीयक पोषद यानी सेकेंडरी होस्ट है। ज्ञातव्य है कि प्लाज्मोडियम का प्राथमिक पोषद मनुष्य है, प्राइमरी होस्ट मनुष्य है। प्रायः प्लाज्मोडियम की चार प्रजातियां प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरी और प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम मनुष्य को संक्रमित करते हैं। हालांकि भारत में मलेरिया के 60-65% मामलों के लिए पी वाइवैक्स, जबकि 30-35% मामलों के लिए पी फैल्सीपेरम परजीवी उत्तरदायी हैं। ध्यान रखिएगा, सर रोनाल्ड रॉस ने यह पता लगाया, इनका नाम याद रखना है, सर रोनाल्ड रॉस का, और इन्होंने पता लगाया था कि मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम नामक एक कोशिकीय प्रोटोजोआ परजीवी के द्वारा होता है। प्लाज्मोडियम के वाहक का कार्य मादा एनफ्लिज मच्छर करती है। इस महत्वपूर्ण खोज के लिए उन्हें वर्ष 1902 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। हालांकि प्लाज्मोडियम लाल रुधिराणु आरबीसी और यकृत कोशिकाओं का अंतः परजीवी जंतु होता है। मलेरिया रोग का सर्वाधिक प्रभाव आरबीसी तथा पलिहा पर पड़ता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मलेरिया रोग मादा एनफ्लिज मच्छर के काटने से फैलता है। दलदली क्षेत्रों का वातावरण मच्छरों के जनन और वंश वृद्धि में सहायक होता है, अतः ऐसे स्थानों पर यह रोग अधिकतर होता है। मच्छरों के संहार और उनसे बचाव के लिए घरों में डीडीटी अथवा पायरीथ्रम, नेप्था, कपूर आदि का प्रयोग किया जाता है। तो मच्छरों के वंश वृद्धि में रोकथाम के लिए जो उपयोग किया जाता है, डीडीटी अथवा पायरीथ्रम, नेप्था, कपूर आदि का। जलाशयों में मच्छरों के लार्वा को खाने वाली मछलियां जैसे गैबुसिया, देखिए यह क्वेश्चन मतलब यहां से क्वेश्चन बनते हैं और यह पॉइंट जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यह पूछा गया है। जलाशयों में मच्छरों के लार्वा को खाने वाली मछलियां जैसे गैबुसिया आदि तथा बतख छोड़ने चाहिए। प्राचीन काल से मलेरिया के उपचार के लिए सिनकोना नामक वृक्ष के छाल से प्राप्त कुनैन नामक औषधि का प्रयोग होता रहा है। हालांकि इससे मिलती जुलती कुछ कृत्रिम औषधियां जैसे एटीब्रीन, मेलुब्रीन, रेसोचीन, कामाक्वीन, क्लोरोक्वीन आदि औषधियां आजकल प्रचलित हैं। मलेरिया प्रभावित क्षेत्रों में इस रोग से बचाव के लिए कुनैन, डेराप्रीम आदि रोग निरोधी औषधियों का नियमित उपयोग करते रहना चाहिए। देखिए, जो प्रालेथ्रीन एक प्रकार का पायरेथ्राइड कीटनाशक है, इसका मतलब कि जो यह है सामान्यतः मच्छर विकर्षक के रूप में प्रयुक्त होता है। तो इसका नाम याद रखिएगा, प्रालेथ्रीन, यह एक प्रकार का पायरेथ्राइड कीटनाशक है और मच्छर विकर्षक के रूप में यह प्रयुक्त होता है। पायरेथ्राइड स्तनधारियों के तुलना में कीटों के लिए जो है 2,250 गुना अधिक विषाक्त होता है। ज्ञातव्य है कि प्रतिवर्ष 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस। उल्लेखनीय है कि विश्व का पहला मलेरिया वैक्सीन अप्रैल 2019 में अफ्रीकी देश मलावी में लॉन्च किया गया। WHO के अनुसार यह वैक्सीन बच्चों को मलेरिया से बचाने के लिए शुरू किए गए पायलट प्रोजेक्ट का हिस्सा है। काला आजार अर्थात लिस्मैनियसिस रोग लिस्मैनिया नामक प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है, ध्यान रखिएगा, और इसमें त्वचा तथा आंतरिक अंगों की जो श्लेष्मिक कलाएं हैं यह रोग ग्रस्त हो जाती है, और इस रोग का वाहक बालू मक्खी यानी सैंड फ्लाई है। निद्रा रोग यानी स्लीपिंग सिकनेस ट्रिपेनोसोमा, याद रखिएगा, निद्रा रोग जो है ट्रिपेनोसोमा नामक एक कोशिकीय प्रोटोजोआ परजीवी के द्वारा होता है, और इसका वाहक सीसी मक्खी, कौन सी मक्खी? सीसी मक्खी है। इसका वाहक कौन है? सीसी मक्खी। निद्रा रोग के लिए जो परजीवी उत्तरदायी है वह है सीसी मक्खी। ट्रिपेनोसोमा रुधिर, सेरिब्रोस्पाइनल और अन्य शरीर द्रवों के बाह कोशिकीय तथा हृदय पेशीय जनदो इत्यादि के अंतःकोशिकीय परजीवी है। निद्रा रोग के रोगी को दिन में भी जो है नींद से बोझिल मालूम पड़ता है।
और वे लगातार ऊँघते रहते हैं, उनको नींद जो है ज्यादा आती है। असुरक्षित पेयजल तथा स्वच्छता के कमी के कारण विकासशील देशों में मलेरिया तीव्र प्रवाहिका तथा सिस्टोसोमारुग्णता नामक संचारी रोग महामारी के रूप में फैलते हैं। तो याद रखिएगा, असुरक्षित पेयजल स्वच्छता के कमी के कारण विकासशील देशों में मलेरिया तीव्र प्रवाहिका तथा सिस्टोसोमारुग्णता नामक संचारी रोग महामारी के रूप में फैलते हैं, जो कि अत्यंत ही घातक होते हैं। सिस्टोसोमारुग्णता सिस्टोसोमा नामक पर्ण कृमि के कारण होता है, जो मनुष्य तथा अन्य स्तनियों के रुधिर वाहिनियों का परजीवी है। फैसियोला भेड़, बकरी, सुअर, भैंस आदि के जिगर की बड़ी बड़ी पित्त नलिकाओं में पाया जाने वाला चपटा यकृत कृमि है, और इसके कारण फैसियोलाइसिस रोग हो जाता है। तो याद रखिएगा, फैसियोलाइसिस रोग किसके कारण होता है, इंपॉर्टेंट है। और देखिए, 2003 में लियंडर पेस को सिर दर्द की शिकायत के पश्चात अस्पताल में भर्ती कराया गया, जो प्रारंभ में ब्रेन ट्यूमर की आशंका व्यक्त की गई थी, परंतु जांच के उपरांत उनमें जो है न्यूरोसिस्टिसर कोसिस, याद रखिएगा जिसे सिस्ट कहते हैं, मस्तिष्क में सिस्ट पाया गया, न्यूरोसिस्टिसर कोसिस, और अर्थात जिसे हम कह सकते हैं कि मस्तिष्क में उनके जो मस्तिष्क था उसमें सिस्ट पाया गया, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाली यह बीमारी टीनिया सोलियम नामक फीता कृमि के कारण होती है। मानव में इनका संक्रमण प्राय सुअर का मांस खाने से या फीता कृमि के अंडों से संक्रमित जल के प्रयोग से होता है। ज्ञातव्य है कि फैसियोला सिस्टोसोमा तथा टीनिया प्लेटी हेल्मिनथीज संघ के अंतर्गत आते हैं। संघ निमेटोडा लगभग 50 जातियां मानव शरीर में परजीवी के रूप में होती है। तो संघ निमेटोडा की लगभग कितनी प्रजातियां, 50 प्रजातियां, 50 जातियां मानव शरीर में परजीवी के रूप में पाई जाती है और उससे जो है हानि पहुंचाती है। फाइलेरिया को स्लीपर हाथी पांव या पील पांव भी कहते हैं, जो शरीर के या शरीर में वुचेरियाई, याद रखिएगा, जो शरीर में वुचेरिया ब्रेंकफटाई नामक गोल कृमि निमेटोड के संक्रमण के द्वारा होता है। यह कृमि मनुष्य के लिम्फ ग्रंथियों में पहुंचकर उसे संक्रमित करता है और इसे फैलने अर्थात वाह का कार्य मादा क्यूलेक्स मच्छर करती है, जिसमें पोषक की मृत्यु तो प्राय नहीं होती है, किंतु हाथ पैर जननांग तथा अन्य अंग फूलकर जो होते हैं विकृत हो जाते हैं, डिफॉर्म हो जाते हैं। बच्चों में प्राय एस्कैरिस के संक्रमण से एस्कैरियसिस नामक रोग हो जाता है, जिससे बच्चों का पोषण ठीक से नहीं होता तथा उनके शारीरिक और मानसिक विकास पर बुरा प्रभाव पड़ता है। रोगी की आंत से कृमि को निकालने के लिए चिनोपोडियम का तेल और मिबेंडाजोल या अल्बेंडाजोल एल्कोपार आदि औषधियों का प्रयोग किया जाता है। उल्लेखनीय है कि एस्केरिस का प्रथम तरुण डिंभक रह, देखिए याद रखिए, थोड़ा सा ये टर्म जो है थोड़ा सा साइंटिफिक टर्म है, तो इसको एक दो बार आप रिवीजन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, जो एस्केरिस का प्रथम तरुण डिंभक है रहब डीटी फार्म लार्वा, क्या रहब डीटी फार्म लार्वा कहलाता है, और इसके द्वितीय जुवेनाइल अवस्था को एम्ब्रियोनेटेड अंडे कहते हैं, जो मनुष्य के लिए संक्रामक होती है। ठीक है, इस पर आधारित पहला प्रश्न है, मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो बताइए, मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग है प्लीहा यानी तिल्ली। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक एक कोशिकीय प्रोटोजोआ जंतु के कारण होता है, और इसकी वाहक मादा एनफ्लिज मच्छर होती है, जो कि द्वितीयक पोषद यानी सेकेंडरी होस्ट है। इससे प्रभावित होने वाला अंग प्लीहा है, जिसमें संक्रमण से आकार बढ़ जाता है, और इस रोग के उपचार के लिए एटाब्रिन, क्लोरोक्वीन, कामाक्वीन आदि औषधियों को जो है लेना चाहिए, या आदि औषधियों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक कौन है? प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है मच्छर, बी ऑप्शन। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है? तो आपको मालूम ही है, सही जवाब होगा मच्छर। फोर्थ नंबर है, मलेरिया तथा डेंगू में निम्नलिखित में से क्या उभयनिष्ठ नहीं है?
मलेरिया तथा डेंगू में निम्नलिखित में से क्या उभयनिष्ठ नहीं है? इसका सही जवाब है मच्छर प्रजाति। देखिए, मलेरिया मादा एनफ्लिज मच्छर के काटने से फैलता है, जबकि डेंगू मादा क्यूलेक्स फैटिगेंस एडिस एल्बोपिक्टस तथा मादा एडिस एजिप्टी मच्छर के काटने से फैलता है। इसके अलावा फिलपाव तथा पित्त ज्वर भी मच्छर के काटने से फैलता है। तो याद रखिएगा, मलेरिया मादा एनफ्लिज मच्छर के काटने से, और जबकि डेंगू मादा क्यूलेक्स फैटिगेंस एडिस एल्बोपिक्टस तथा मादा एडिस एजिप्टी मच्छर के काटने से फैलता है। इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर है, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने यह खोजा था कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। तो आपको मालूम है, सर रोनाल्ड रॉस। मैंने वहां भी बोला था कि इनका नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सर रोनाल्ड रॉस ने यह पता लगाया कि मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम नामक एक कोशिकीय प्रोटोजोआ के द्वारा होता है, तथा प्लाज्मोडियम के वाहक का कार्य मादा एनफ्लिज मच्छर करती हैं, जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार 1902 दिया गया। प्लाज्मोडियम लाल रुधिराणु तथा जिगर कोशाओं का अंतः परजीवी जंतु होता है, ध्यान रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ के द्वारा होता है? कौन सा रोग प्रोटोजोआ के द्वारा होता है? तो इसका सही जवाब है मलेरिया। 7 नंबर क्वेश्चन है, एक जीव के संपूर्ण संजीन यानी सभी जीनों की संपूर्णता का अनुक्रमण 1996 में पूरा हुआ था, वह जीव था, वह जीव कौन था? तो सही जवाब है ईस्ट। सेक्रोमाइसिस सेरेविसी ईस्ट या खमीर की एक प्रजाति है, इसे कवक जगत में शामिल किया जाता है। इसके संपूर्ण संजीन सभी जीनों की संपूर्णता का अनुक्रमण 1996 में पूरा हुआ था। इसमें लगभग 6,000 जीन तथा 12 मिलियन से भी अधिक क्षार युग्म होते हैं। और 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला है, डेंगू मच्छरों के द्वारा संचारित प्रोटोजोआ रोग है, प्रत्येक नेत्र गुहा पीड़ा डेंगू का लक्षण नहीं है, त्वचा पित्तिका नामक सॉरी त्वचा पित्तिका नाक से रक्त स्राव डेंगू के कुछ लक्षण हैं। तो बताइए, इन तीनों कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, इसमें जो बी ऑप्शन है, केवल तीसरा जो कथन दिया गया है आपका सत्य है। मलेरिया ज्वर है, इसका कारक प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ जंतु है, जिसका वाहक मादा एनफ्लिज मच्छर है। डेंगू रोग विषाणु जनित रोग है, प्रत्येक नेत्र गुहा पीड़ा जो है, नेत्र के पीछे होने वाली पीड़ा है, जो कि डेंगू ज्वर का लक्षण है। और पहला दूसरा कथन असत्य है, त्वचा पित्तिका तथा नाक से रक्त स्राव डेंगू के लक्षण है। क्वेश्चन नंबर 9 है, मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? मलेरिया के संबंध में बताना है कौन सा कथन सत्य नहीं है। 4 कथन दिया गया है। पहला कथन है, यह परोपजीवी कीट के द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी है, तो पहला ही कथन सत्य नहीं है। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका सही ऑप्शन होगा। और इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, मलेरिया रोग का जनक प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ है, जो कि एक मतलब पोषदीय जंतु है, जिसका वाहक मादा एनफ्लिज मच्छर है। मलेरिया रोग दलदली क्षेत्रों में अधिक होता है। इसके इलाज के लिए क्लोरोक्वीन का उपयोग किया जाता है, जिसे सिंकोना नामक पौधे की छाल से प्राप्त किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ के द्वारा होता है? तो कौन सा रोग प्रोटोजोआ के द्वारा होता है? तो सही जवाब है मलेरिया। याद रखिएगा, मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है, और इसकी वाहक जो है मादा एनफ्लिज मच्छर होती है, जो कि सेकेंडरी होस्ट है। इससे प्रभावित होने वाला अंग प्लिया है, जिसमें संक्रमण से आकार बढ़ जाता है। और इस रोग के उपचार के लिए एटाब्रिन, क्लोरोक्वीन, कामाक्वीन इत्यादि औषधियों का उपयोग किया जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत में मलेरिया के 65% रोगियों के लिए निम्नलिखित में से कौन परजीवी उत्तरदायी है? तो बताइए, भारत में मलेरिया के 65% रोगियों के लिए निम्नलिखित में से कौन परजीवी जो है उत्तरदायी है? तो मैंने वहां पे भी, जब हम लोग थ्योरी को डिस्कस कर रहे थे हम लोग, तो वहीं पे मैंने बताया दो ऐसे जो मतलब कि परजीवी जो उत्तरदायी है, जो सबसे ज्यादा मलेरिया को मतलब कि प्रभावित करते हैं। मलेरिया इन्हीं से सबसे ज्यादा होती है, तो सबसे ज्यादा पी वाइवैक्स से। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन। देखिए, 4 प्लाज्मोडियम प्रजातियां हैं जो मलेरिया रोग की वाहक है। भारत में मलेरिया के 65% मामलों के लिए पी वाइवैक्स परजीवी उत्तरदायी है। 12 नंबर क्वेश्चन है, गोल कृमि यानी निमेटोड से
होने वाला रोग है, गोल कृमि से होने वाला रोग है फाइलेरिया। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सत्य है। फाइलेरिया को फील पाव भी कहते हैं, ठीक है। फाइलेरिया को फील पाव कहते हैं जो कि शरीर में वुचरेरिया वेंगफर्टाई नामक गोल कृमि निमेटोड के संक्रमण के द्वारा होता है। यह कृमि मनुष्य के लिम्फ ग्रंथियों में पहुंच जाता है और इसे फैलने का कार्य मादा क्यूलेक्स मच्छर करती है, जिसमें पोषद की मृत्यु तो प्राय नहीं होती है किंतु हाथ पैर जननांग और अन्य अंग फूलकर विकृत हो जाते हैं। तो जो मतलब कि जो कृमि है इसको ध्यान रखना है, वुचरेरिया फ्रेंकफर्टाई नामक गोल कृमि, ठीक है, इसके संक्रमण से फाइलेरिया या जो है इसको जो हम लोग फील पाव भी कहते हैं या हाथी पाव भी कहते हैं, इन्हीं के कारण होता है, इसको ध्यान रखना है। और 13 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है, तो बताइए मलेरिया का जो कारण है किसके कारण होता है। तो आपको मालूम है मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है। देखिए यहां पे आपका जो है ए ऑप्शन सत्य है, ठीक है। तो देखिए मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है, पोलियो वायरस के कारण होता है, और तपेदिक यानी जो तपेदिक है जो किसके कारण होता है, तो तपेदिक जीवाणु या बैक्टीरिया के कारण होता है, और दाह जो होता है फंगी के कारण होता है, कवक के कारण होता है। तो याद रखिएगा कौन सा रोग किसके कारण होता है। सूची 1-2 यानी 14 नंबर भी वही है, 14 नंबर क्वेश्चन में सूची 1-2 के साथ जो है आपको मिलान करना है। तो आपको मालूम है फाइलेरिया सॉरी मलेरिया है, मलेरिया किसके कारण होता है, गंजापन किसके कारण होता है, एड्स किसके कारण होता है, प्लेग किसके कारण होता है, ठीक है। तो देख लीजिए इसको, देखिए प्लेग जो है एक संक्रामक या कह सकते हैं घातक संक्रामक रोग है प्लेग, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जिसका कारक जो है पास्चुरेला पेस्टिस या यर्सिनिया पेस्टिस, ठीक है। प्लेग एक घातक संक्रामक रोग है जिसका कारक पास्चुरेला पेस्टिस या यर्सिनिया पेस्टिस नामक जीवाणु है। एड्स मानव प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करने वाला एक घातक रोग है जिसका कारक HIV विषाणु है। मलेरिया एक संक्रामक रोग है जो प्रोटोजोआ परजीवी के द्वारा फैलता है, जबकि गंजापन कवक के द्वारा या कवक के कारण होता है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, स्लीपिंग सिकनेस या निद्रा रोग नामक बीमारी होती है किसके कारण। निद्रा रोग या स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी होती है ट्रिपेनोसोमा नामक एक कोशिकीय जीव से। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सत्य है, याद रखिएगा ट्रिपेनोसोमा। देखिए स्लीपिंग सिकनेस या निद्रा रोग ट्रिपेनोसोमा नामक एक कोशिकीय प्रोटोजोआ जीव के द्वारा होता है, और इस जीव का वाहक व द्वितीय पोषक सीसी मक्खी है, ठीक है। ट्रिपेनोसोमा रुधिर शरी ब्रोस्पाइनल और अन्य शरीर द्रवों के वाह कोशिकीय हृदय पेशीय जनदो इत्यादि के अंतःकोशिकीय परजीवी हैं। निद्रा रोग के रोगी को दिन में भी नींद से जो है बोझिल मालूम पड़ता है, उन्हें नींद ज्यादा आता है, उंगते रहते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, असुरक्षित पेयजल स्वच्छता के कमी के कारण विकासशील देशों में प्रचलित 3 संचारी रोग हैं, वह कौन कौन से रोग हैं। तो मलेरिया है, तीव्र प्रवाहिका और सिस्टोसोमारू गणता, यानी बी ऑप्शन, ठीक है। असुरक्षित पेयजल तथा स्वच्छता के कमी के कारण विकासशील देशों में मलेरिया तीव्र प्रवाहिका और सिस्टोसोमारू गणता नामक 3 संचारी रोग महामारी के रूप में फैलते हैं जो कि अत्यंत ही घातक हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, 2003 में जब लिएंडर पेस के मस्तिष्क में एक समस्या पाई गई तो उन्हें टेनिस कोर्ट छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा था, किसके कारण। उनके मस्तिष्क में क्या समस्या आई थी, तो देखिए एक सिस्ट उनके लिए जो था मस्तिष्क में मतलब कि दर्द या उनके मस्तिष्क में जो समस्या उठी थी एक सिस्ट के कारण हुआ था। 2003 में लिएंडर पेस को सिर दर्द की शिकायत के पश्चात अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रारंभ में ब्रेन ट्यूमर की आशंका व्यक्त की गई थी, परंतु जांच के उपरांत उनमें जो है मस्तिष्क में सिस्ट पाया गया था। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाली यह बीमारी टीनिया सोलियम नामक फीता कृमि के कारण होता है, किसके कारण, टीनिया सोलियम, ठीक है। और मानव में इसका संक्रमण प्रायः सुअर का मांस खाने या फीता कृमि के अंडों से संक्रमित जल के प्रयोग से होता है, ठीक है। और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं, नेक्स्ट सेशन में वंशागति रोग के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे।
आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम क्विज ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज आप लोग ज्वाइन कीजिए, और कहीं भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में किसी भी टॉपिक में तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपके समस्याओं को सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।